एक टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेता है। प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ने के लिए वो कुछ डिमांड्स करता है। वो एक पैसों से भरा बैग और दो पैराशूट मांगता है। जैसे ही नीचे उसे एक रेगिस्तान दिखता है, वो एक पैराशूट और पैसे लेके कूद जाता है। जब उसे एक ही पैराशूट की जरूरत थी तो उसने दो क्यों मांगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेररिस्ट चाहता था कि एयर होस्टेसेस को लगे कि वो एक पैसेंजर को होस्टेस बना के लेके जाने वाला है। इससे एयर होस्टेस उसको खराब पैराशूट नहीं देगी और वो आसानी से भाग जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस क्लॉक को ध्यान से देखिए, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या गलत है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिनट वाला हैंड 12 पे है, मतलब आर वाला हैंड 4 पे होना चाहिए, 4 और 5 के बीच में नहीं। अब बताइए इस क्लॉक में क्या गलत है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अंदर वाली छोटी क्लॉक का कांटा उसकी जगह से हिल गया है। चलिए अब बताइए इस क्लॉक में क्या गलत है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 दो बार प्रिंट हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है डी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को ध्यान से देखिए, एक आदमी की मौत हुई है। आपको बताना है कि ये मर्डर है या एक सुसाइड है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये एक मर्डर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पे दो ग्लासेस रखे हुए हैं, मतलब वहां दो लोग थे। रूम का कांच भी टूटा हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई होगी। और राइफल से आदमी खुद को कैसे मार सकता है, मतलब ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक प्रिजन में दो कैदी फंसे हुए थे। एक सोच रहा है तरीका भागने का और दूसरा बुक्स पढ़ रहा है कि वो कैसे भाग सकता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा कैदी भागने में सफल हो सकता है?
आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है बुक वाला कैदी आसानी से भाग जाएगा। आपके थॉट सिर्फ आपके होते हैं, सफल होंगे या नहीं आप अनुमान नहीं लगा सकते। बुक्स सालों के रिसर्च के बाद बनती है, कई लोगों के थॉट्स उसमें लगे होते हैं, तो बुक्स का नॉलेज हमेशा अच्छा होता है, इसलिए चांसेस बुक पढ़ने वाले के ज्यादा रहेंगे। मीरा ने 5 किड्स और एक डॉग को अडॉप्ट किया था। उसे कुछ समय के लिए बाहर जाना था तो वो मेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चले गई। जब वो वापस आई तो एक बच्चा मिसिंग था, तो वो सबसे पूछताछ करती है। सब ये कहते हैं, मैं डॉग के साथ खेल रहा था, मैं बेबी सिटिंग कर रही थी, मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं तो चेस खेल रहा था। सबकी बातें सुनने के बाद वो तुरंत समझ जाती है कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, उसको कैसे समझता है झूठ कौन बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो बच्चा चेस खेल रहा था वो झूठ बोल रहा है। चेस अकेले नहीं खेला जा सकता, मतलब वो मिसिंग बच्चे के साथ चेस खेल रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रात एक घर में एक मर्डर हो जाता है। शक दोनों नेबर्स पे जाता है। पुलिस को यकीन था कि दोनों में से किसी ने खून किया है, बट किसने समझ नहीं आ रहा था। रोहन के पास येलो कार थी, सुरेश के पास रेड कार, और जिसका मर्डर हुआ उसके पास ब्लैक कार थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला ब्लैक कार एक हफ्ते से वहीं खड़ी है। फिर रोहन और सुरेश से पूछताछ की। रोहन बोला, मैं मेरी कार से सुबह सुबह ही आया हूँ, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जब आया तो सुरेश की कार वहां ऑलरेडी खड़ी थी। सुरेश, मैं भी सुबह सुबह ही आया हूँ, मैं जब आया तो वहां रोहन की कार पहले से खड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता है। दोनों के बयान सुनते ही पुलिस ने तुरंत खूनी को पकड़ लिया। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? पुलिस को कैसे समझा खूनी कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। खूनी रोहन है। अगर आप ध्यान से तीनों कार्स को देखेंगे तो येलो कार बीच में खड़ी है, मतलब रोहन झूठ बोल रहा है कि वो बाद में आया। अगर वो बाद में आया होता तो बीच में कार कैसे खड़े करता? डोर ही नहीं खुलते कार के। मतलब येलो कार पहले आई और फिर रेड कार आई, मतलब सुरेश सच बोल रहा है और रोहन झूठ। एक चेन स्मोकर जमीन से सिगरेट के बट्स उठाता है। वो 4 बट्स को मिला के एक सिगरेट बना सकता है, तो बताओ अगर उसको 16 बट्स मिलते हैं तो वो कितनी सिगरेट बना सकता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 5। पहले वो 16 बट से 4 सिगरेट बना लेगा। ये 4 सिगरेट पीने के बाद इससे 4 बट और निकलेंगे, जिससे एक और सिगरेट बन जाएगी, तो टोटल हो गए 5 सिगरेट। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। उसकी 3 बेटियां हैं, रिया, शीतू और अनुजा। डिटेक्टिव तीनों से पूछताछ करता है। रिया, पापा मैं और अनुजा एक मूवी देखने गए थे। हम वापस आए और पापा अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, तभी अचानक शीतू आई और उसने पापा को पीछे से गोली मार दी। अनुजा ने भी सेम कहानी बताई। शीतू, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जब मैं वापस आई तब तक पापा मर चुके थे। क्या आप तीनों की गवाहियों को ध्यान से सुन के बता सकते हैं बिजनेसमैन का मर्डर किसने किया? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रिया और अनुजा है। बिजनेसमैन को गोली सर पे लगी थी, पीठ पे नहीं। इसका मतलब रिया और अनुजा दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।